नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, जो बीएससी पार्ट 3 वाले बच्चे का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, बीएससी पार्ट 3 का, ठीक, तो पेपर 5, 6, 7, 8 होंगे पेपर इस बार। 8 तो प्रैक्टिकल है, तो जो पेपर 5 है उसको हम प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है इस बार कि ऑड नंबर में, जैसे 2017, 2019, 2021, तो ऑड नंबर का पेपर मैक्सिमम रिपीट होता है, ठीक। तो आप 2017 और 2019 का पेपर देख लेते हैं, और उसमें से अगर 2019 का पेपर अवेलेबल नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन 2017 का भी अगर आपके पास, जैसे हम अवेलेबल करा दिए हैं, इसका भी आप 5 से 7 क्वेश्चन जो आपको ठीक ठाक लगता है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए, और जो आपके पास गेस पेपर होगा उससे उसका आंसर लिख के दो तीन दिन टाइम बचा हुआ है उसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा बहुत तो चलता ही है, समझ रहे हैं आप, लेके भी जा सकते हैं, तो उसमें से आप लिख सकते हैं अच्छे से, आपको 50 से अबव नंबर आ जाएगा। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं पेपर, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, या तो इसको ये बार बार रिपीट कीजिए, 19 में भी आया हुआ है और 20 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 20 का वीडियो हम बना चुके हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। बी है साइन 4x इज इगेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर d2 by dx2 बट नॉट ऑफ d by dx। नेक्स्ट है सी, केमिकल पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि केमिकल पोटेंशियल प्रेशर के इंक्रीज करने से बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर से डिक्रीज होता है। डी है सिंपल कोलिजन थियरी डज नॉट डिस्क्राइब करेक्टली द कम्प्लेक्स बाय मोलिकुलर रिएक्शंस, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन से जो सरफेस केमिस्ट्री है उसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया, जैसे सॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, लैंगमर एडजॉर्प्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रख सकते हैं, इसका तैयार कर सकते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ एंथैल्पी एंड लॉ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को भी आप तैयार कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड आउट इगाइन फंक्शन, ये भी इगाइन फंक्शन वाला भी क्वेश्चन भी 2020 में पूछे हुआ है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। एंड ईगर वेल्स वैल्यूज ऑफ पार्टिकल कन्फाइंड टू वन डायमेंशनल बॉक्स। बी नंबर है डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर जीरो पॉइंट एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। जीरो पॉइंट एनर्जी हम इसको VBI में रखना चाहेंगे, ठीक। थर्ड है एक्सप्लेन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बी है इसका ड्राइव गिव्स ड्यूम इक्वेशंस एंड डिस्कस टू एप्लीकेशंस। फोर नंबर है डिस्कस आर्हेनियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन एक्टिवेशन एनर्जी। बी है फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन हुज रेट गेट्स डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। फाइव है डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन भी एक बार फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रख सकते हैं, इसका भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए एक्सप्लेन क्वांटम एल्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्वांटम एल्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं। गिव क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोलोरोसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ, तो मैक्सिमम कहीं ना क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसमें से भी आप 5 क्वेश्चन अच्छे से जो आपको लगे कि ठीक ठाक हम इसमें लिख सकते हैं, तो उसको आप कॉपी पर लिख के मनोरमा से या जो भी आपके पास गेस्ट पेपर है, 2-3 दिन अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कि अगर मिला मौका तो वहाँ पे से आप लिख सकते हैं, नहीं मौका मिला तो कम से कम माइंड में तो है, उसको तो लिख सकते हैं, ठीक। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इन कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस। बी है हाउ इज कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस कन्वर्टेड इनटू कंसंट्रेशन विदाउट ट्रांसफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेल जब ट्रांसफरेंस है और विदाउट ट्रांसफरेंस में। सेवन नंबर एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड रीजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, जो गामा एक्स यूवी विजुअल इंफ्रारेड, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस सेलेक्शंस रूल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन टर्म्स एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन को, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है एडजॉर्प्शन, फ्रेंजलिट आइसोथर्म एडजॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइन नंबर एक्सप्लेन पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट एंड इंड्यूस डायपोल मोमेंट, ये तो आसान क्वेश्चन है, पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट इंड्यूस डायपोल मोमेंट आप तो लिख सकते हैं अगर तैयार नहीं किए हुए फिर भी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मानिए। बी नंबर है एक्सप्लेन BF3 SF6 आर नॉन पोलर बट CHCl3 एंड H2 आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आसान है, रिपीट होता है क्वेश्चन। 10 नंबर है राइट्स नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 पर नोट्स लिखिए।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी रिपीट हुआ 2020 में। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, लैंगमार एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है लैंगमार, और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। तो ये क्वेश्चन था आपको कुछ जो हम बताए हुए हैं, इसमें से आपको जो आसान लगे 5-6 अच्छे से उसका आंसर तैयार कर लीजिए आप, आपके पास जो भी गेस पेपर है, और 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी 2-3 दिन समय बचा हुआ है, शायद 31 एग्जाम है तो उसमें आप अच्छे से जाके लिख सकें। अगर चोरी करने का मौका मिला तो चेक कीजिए, क्योंकि अक्सर होता है ग्रेजुएशन में ऐसा होता है, लिख नहीं देता हम क्योंकि पढ़ाई तो हुआ ही नहीं है, तो एग्जामिनर लिखने देते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उसका भी अच्छे से तैयारी हो पाए। देखिए, ज्ञान बांटने की चीज़ है, जितना आप दूसरे को बताइएगा आपका भीतर से बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मेरा कम हो रहा है, लेकिन नहीं, आपका बढ़ेगा। ओके, ज़्यादा कुछ और नहीं कहेंगे, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।